नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। रिसेंटली इसराइल के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर मैसिव तरीके से साइबर अटैक किया गया है, और वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब इसराइल के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया है। या अगर इसको हम बहुत ही लमसम तरीके से समझना चाहें तो इसराइल वो दिन कभी भी नहीं देखना चाहेगा जिस दिन ईरान ऑफिशियली ये डिक्लेयर करे कि वो एक न्यूक्लियर पावर देश बन चुका है। इसी बीच अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट के बारे में, तो यहाँ पे हमें कम से कम 10 देशों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अब देखने को मिल रहा, जो कि किसी भी तरीके से ग्लोबल पीस के लिए अच्छी बात नहीं है। और वहीं पे अगर हम बात करें हम भारतीयों के लिए, तो अगर हमें ये लगता है कि चलो ठीक है, ये तो क्राइसिस मिडिल ईस्ट में है, हमें इससे क्या, तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम वर्ड ग्लोबलाइजेशन सुनते हैं तो इसका एक और मतलब होता है इंटरडिपेंडेंसी। तो बहुत सारे ऐसे भारत के शिपिंग कंपनीज हैं जो ईरान के साथ बिजनेस करते हैं, तो अगर किसी भी तरीके से उन सब कंपनीज के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेगा तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो भारत पे भी पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पिछले महीने के 30 तारीख से इजरायली डिफेंस फोर्सेस लेबनान के सदर्न हिस्से में ग्राउंड इन्वेजन करते हैं, और इस ग्राउंड इन्वेजन को कुछ इस तरीके से जस्टिफाई किया जाता है, जहां पे IDF कहते हैं कि ये उन्हीं सब एरियाज को टारगेट करेंगे जिन सब एरियाज को हिजबुल्ला के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसके ठीक एक सालों तक जो इसराइल का ध्यान था वो गजा के तरफ था, तो यहाँ पे बहुत ही मैसिव तरीके से बॉम्बार्डमेंट किया गया, तो यहाँ के जो लोग थे वो एक बहुत ही छोटे एरिया में जाके सीमित हो गए। उसके एक साल के बाद अब IDF का ध्यान आता है लेबनान के सदर्न हिस्से में, जहां पे अगर आप बात करें तो जो कॉमन सिविलियंस थे वो और भी अंदर के तरफ मूव हो गए, तो यहाँ पे भी जो बहुत सारे जो एरियाज है वो अभी खाली हो गए, और जो गजा का हाल है वो हम सभी के सामने है। तो इसराइल क्या करता है कि वो एक बार मैसिव अटैक करता है, और उसके बाद बहुत बड़ा जो एरिया होता है उसको वो कैप्चर कर लेता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ईरान को भी ये समझ में आ गया कि अगर वो किसी भी तरीके से इसराइल के ऊपर अब अटैक नहीं करेगा तो उसके बाद इसराइल को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अक्टूबर 1 तारीख को लगभग 200 या उससे भी अधिक मिसाइल्स दागे जाते हैं इसराइल के ऊपर डायरेक्टली, और ये पहली बार था कि जब इसराइल और ईरान डायरेक्टली फेस टू फेस लड़ रहे थे। तो यहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट होता है, एक तो किसी भी तरीके से इसराइल अपने आप को कमजोर नहीं दिखाएगा, और दूसरी तरफ कुछ यही मानसिकता है ईरान का भी, जहां पे वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये नहीं दिखाना चाहेगा कि ईरान एक कमजोर देश है। और जब 1 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर इतना मैसिव अटैक होता है तो उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू और इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है योआव गैलेंट, उनका कहना होता है कि इसराइल इस अटैक का बदला लेगा, और जो बदला लेगा वो भी काफी मैसिव तरीके से होगा, और उस बदला लेने का जो अंदाज रहेगा वो ईरान उसको हमेशा के लिए याद रखेगा। और जहां तक बात किया जाए जो रिसेंट साइबर अटैक हुआ है ईरान के ऊपर, इसके बारे में ऑफिशियली ईरान भी एक्सेप्ट करता है, और जो टारगेट बनाया गया है इस साइबर अटैक में वो हम कह लें कि जो भी मेजर आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको टारगेट बनाया गया है। कितना डैमेज पहुंचा है इस साइबर अटैक में ये कह पाना मुश्किल है, या एग्जैक्टली हम ये समझ लें कि कोई भी देश अपने डैमेज को नहीं बताते हैं, तो वैसे ही ईरान भी कर रहा। लेकिन जिस मैसिव तरीके से अटैक किए गए, जहां पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट बनाया गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को टारगेट बनाया गया, या पॉसिबली हम कह लें तो हर उस एरिया को टारगेट किया गया इस साइबर अटैक में जिससे ईरान को डैमेज होता, तो यहाँ पे भी हमें समझ में आता है कि जब भी हम एक अटैक वर्ड या एक वॉर वर्ड सुनते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आज भी हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो तस्वीर है वो दिखाता है। तो जैसा कि समय बदल रहा, वैसे ही जो वॉरफेयर का टेक्निक है वो भी बदल रहा। और 1 अक्टूबर को जब ईरान इसराइल के ऊपर 200 या उससे भी अधिक जब मिसाइल्स दागता है, तो उसके बाद से ही ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज या उसके जो ऑयल फैसिलिटीज है उसको टारगेट बनाया जाएगा। लेकिन जो बहुत सारे वॉर एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना था कि अगर किसी भी तरीके से ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट बनाया जाएगा तो ये वॉर सच में एक ग्लोबल वॉर बन जाएगा। तो शायद इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि किसी भी तरीके से ईरान के ऊपर अटैक तो करना है, लेकिन हम कन्वेंशनल अटैक को ना चुनके हम साइबर अटैक को चुनेंगे। और जहां तक बात किया जाए साइबर अटैक के बारे में, तो एग्जैक्टली ये कह पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि कौन सा देश का इसके पीछे हाथ है, यानी कि आप दुश्मन को भी डैमेज कर दे और कोई प्रूफ भी आप छोड़ के ना आए। अगर हम इस मैप को ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि अगर किसी भी तरीके से इसराइल और ईरान डायरेक्टली वॉर में उतरते हैं तो कम से कम 4 या 5 देशों का ये एयर स्पेस को यूज करेंगे। तो इसका ये मतलब होता है कि जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, ये सारे देश खामखा इसराइल और
ईरान के वॉर में पकड़े जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि इनका भी फिर इकोनॉमिक डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत वगैरह हो गए, ये काफ़ी प्रेशराइज कर रहे हैं यूएस को, जहां पे वो कह रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से इसराइल को ये बोले कि आप ईरान के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे। शायद ये भी एक बहुत बड़ा वजह रहा कि क्यों इसराइल एक साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ एक डायरेक्ट वॉर में उतरने के लिए। और अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सभी जो गल्फ नेशंस हैं वहां पे यूएस का मिलिट्री का प्रेजेंस है और भी इनके बहुत सारे वहां से बिजनेसेस ऑपरेट होते हैं, तो अगर कल को किसी भी तरीके से इसराइल और ईरान के बीच में मामला खराब होता है तो जो यूएस के एसेट्स वगैरह हैं गल्फ नेशन में उसको भी टारगेट किया जाएगा। तो भले वो जो टारगेट किया जाएगा वो यूएस के एसेट्स को किया जाएगा, लेकिन जो नुकसान होगा वो उस देश को नुकसान होगा जिस देश में यूएस के एसेट्स वगैरह होंगे। तो यहां से भी हमें समझ में आ जाता है कि क्यों सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर जैसे देश यूएस को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से इसराइल को रोकें कि वो डायरेक्टली ईरान के ऊपर अटैक ना करे। और वैसे भी बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि इसराइल ऑपरेशन कर दिया है और ऑपरेशन करने के बाद वो यूएस को इन्फॉर्म किया है। एक रिसेंट जो हमारे सामने मामला है वो ये है कि जब नसरल्ला को मारा गया था लेबनान में, तो जब इसराइल के एयरफोर्स ऑन द वे थे तब जाके यूएस को इन्फॉर्म किया गया कि हमारे जो एयरफोर्स है वो ऑन द वे है और हमारे पास एक पुख्ता जानकारी है जिसके हिसाब से लेबनान के इस स्पेसिफिक एरिया यानी कि बेरूत में हसन नसरल्ला छुपा हुआ है। और भी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस किए गए जिस ऑपरेशन को करने के बाद यूएस को मालूम पड़ा कि इसके पीछे इसराइल का हाथ है। और आज भी जो गल्फ कंट्रीज है इनका जो इकोनॉमी है वो हाईली डिपेंडेंट है आपका ऑयल के ऊपर। हालांकि सऊदी अरेबिया हो गया या यूएई हो गया, ये अपने इकोनॉमी को बहुत हद तक डाइवर्ट कर रहे हैं ऑयल से, लेकिन आज भी इनका जो डिपेंडेंस है वो किसी भी तरीके से कम नहीं हुआ। तो अगर किसी भी तरीके से अगर यूएई या सऊदी अरेबिया के कोई भी अगर ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर अटैक होता है और अगर वो अटैक बड़ा होता है तो इसका नुकसान सऊदी अरेबिया या उस देश को भी भरना पड़ेगा जिस देश में अटैक होगा। तो अब अगेन हमारे सामने एक नया चैप्टर खुल गया है जहां पे ईरान के साइबर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक हुआ है। और अब ये देखना और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि ये मामला किस तरीके से अब अनफोल्ड होता है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।